Hey guys, this is Amir Sheikh and welcome back to my channel. So, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि टाइम ज़रा भी नहीं मिल रहा है मुझे, तो अभी आएगी, मतलब हफ्ते में एक वीडियो तो ट्राई करूँगा छोड़ने का। अभी तो दो दो तीन तीन हफ्ते हो जा रहे थे, एक 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 वीडियो छोड़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी ट्राई करूँगा कि हर हफ्ते एक 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 वीडियो तो छोड़ दूँगा, कम से कम आप लोग के सामने मैं अपडेटेड रहो। यहाँ पर अपडेटेड नहीं हूँ मैं, लेकिन इंस्टा पे पूरा अपडेटेड हूँ मैं, तो वहाँ जाके मुझे ऐड करो यार इंस्टा पे, हमेशा लिंक देता हूँ मैं। तो आज एक मतलब एक अच्छे टॉपिक पे है वीडियो। यहाँ पर मतलब मुझे लोग पूछते रहते हैं कि तेरे बाल पूरे पूरे दिन सेट कैसे रहते हैं, तो बताता हूँ। उसके थ्री वेज है, थ्री सिंपल वेज। सबसे पहले तो आपको बस भाई अच्छे से पहले बाल धो लो। सेकंड, आपका ये नहीं रहना चाहिए, यहाँ से आपको शेप तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो ये शेप देते ही तो देना ही पड़ेगा। थर्ड, सेट कर बस। मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट जाके बाल गीले करके, वैसे भी मुझे भी नहाना है, सुबह में बना रहा हूँ मैं, तो नहा लेता हूँ मतलब एकदम फ्रेश वीडियो, तो आपको सब पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो चलो पहले नहा लेता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ कि शेपिंग क्या होती है, फिर आप बाद में आपको बताता हूँ कि सेट कैसे करते हैं। इसको पूरे पूरे बाल गीले, मतलब आपको पूरे गीले नहीं करने, आधे गीले आधे सूखे, मतलब मीडियम रखना है आपको, ज़्यादा गीले ना, ज़्यादा गीले ना ज़्यादा सूखे। और फिर उसके बाद आपको सेट करने जाना है। और मैं जो शेपिंग का बता रहा था, वो शेपिंग का ये है, दिखेगा आपको भाई, कैमरा थोड़ा दिखाओ, देखो ये शेपिंग है। ये आपको जाके सैलून वालों को बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे आगे से फोरहेड शेप कर, तो वो करके देगा आपको। अच्छे सैलून में जाओगे तो फोरहेड शेप को समझ में आएगा, नहीं तो फोरहेड सीधा काट के दे देगा आपको, बोलने वाले हो गया तेरा शेप। और बहुत से लोग समझते हैं कि मतलब शैम्पू रोज़ रोज़ लगाने से बाल सिल्की हो गए, अच्छे से और सेट हो गए, तो बाल अच्छे से सेट तो नहीं होंगे, सिल्की तो हो गए, लेकिन वो सिल्की होते होते पूरे बाल ही नहीं रहेंगे फिर आपके पास एक दिन, फिर आपको आपके दोस्त लोग वही बुलाएंगे, समझ चुके होंगे। तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो तीन चीज़ चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड वैक्स। मैं ये वाला वैक्स यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को यही अच्छा लगता है सबसे, अर्जुन कपूर वगैरह का मेरे को इससे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये एकदम मैट लुक है और अच्छे से सेट भी हो जाते हैं। और थर्ड चीज़ सबसे मेन, हाथ। कोम वोम यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि कोम यूज़ करने से मतलब थोड़े टाइम तक के लिए तो खड़े रहेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद ख़त्म। और आपको सेट कैसे करने, मैंने सिंपलेस्ट वे बताया था, एक वीडियो बनाया था, वो ऊपर कार्ड्स में डाल दूँगा मैं, देख लेना जाके। बैंड होके पूरे बाल बैंड होके ही पूरे सेट करने, अगेंस्ट ग्रेविटी जाओगे तो अच्छे से सेट होगे। स्टार्ट करते हैं। Thank you.
ट्राई करते हैं इसको। और इसको अच्छे से अप्लाई करना है, एडियो के जैसा नहीं खाली लगा देना कब कब कब। सेट पूरे अच्छे से हो गया, देखो यही था ट्यूटोरियल पूरा अच्छे से। आपको एकदम इजीएस्ट टिप है, ये 3 टिप्स यूज करो। पहले मुझे भी आदत थी कि मैं कोम से करता था, लेकिन अभी मुझे आदत हो गई है कि हाथ से हो जाता है, मेरा सब काम हो जाता है हाथ से। तो कोम यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, कोम यूज़ करोगे उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, खाली बस करते रहोगे घुमाते रहोगे। तो इससे अच्छा तो आपके हाथ ही काफ़ी है, हाथ सबसे बेस्ट होते हैं। और ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओगे तो आपके बाल वैसे भी जैसे सेट करना आपको वैसे हो ही जाते हैं। तो ये ईजीएस्ट टिप्स ही, सबसे ईजीएस्ट थी, इससे ईजीएस्ट बता दो मुझे बताओ, अगर पता हो आपको तो देखो सर्च करो, अगर इससे भी इजीएस्ट है तो मुझे बताओ, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो यही वीडियो ख़त्म करते हैं। जिसने अब तक तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट पे फॉलो नहीं किया है, और अभी एक जोश चढ़ा है टिकटॉक बनाने का, अगर जाओ उस पर भी फॉलो करो, है उसकी भी लिंक नीचे। अभी यहाँ पे 3 चीज़ के साथ टिकटॉक का भी आएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट टिकटॉक। पहले म्यूजिकली था, उफ म्यूजिकली, तो जहाँ पर भी फॉलो करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, शब्बा केयर, डू व्हाटएवर यू डू, आई डोंट केयर।